ஆதார விந்தம் முகார விந்தே விநிவேசயந்தம் வட்டக்கதே பத்தக்கதே புடேசயனம் பாலம் முகுந்தம் மனுதாத்மராமி See you there.
कृष्णस्य मनोहराणि जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नमामि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि अनुसार योग का एक पूरा पैकेज, एक प्रोटोकॉल है। मकरासन से करो बेटा, देखो कठिन अभ्यास आपसे बन नहीं पाते तो कोई बात नहीं, सरल अभ्यास से ही 5-7 कर लीजिए। 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम, इतना ही पर्याप्त है। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान। अब योग के कुछ प्रधान सूत्र, प्रधान साधन, योग के मूल तत्व में हर दिन प्रभात वेला में ब्रह्म मुहूर्त में कहता हूं और उसी के अनुरूप आपको धारिता हुआ योग कराता है।
योग के मूल तत्व है, योग विधि विधान से करो। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूड डिविनिटी और कंप्लीट सरेंडर, भगवत शरणागति के साथ योग कर। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाधीमां नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोऽस्मि। सर्वधर्मान् परित्यज्य लोक धर्मान् सर्वदोषान् सर्व अधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं ता सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षये श्यामि मा सुत। भगवान् अपने चित्त को लगा करके एक चित्त एक मन होकर के गुरु भगवान के साथ एकात्म होकर के एक निष्ठ गुरु निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हो तत्वनिष्ठ होके सत्यनिष्ठ होके सनातन निष्ठ होकर के योग कर। जब ऐसे आप योग करते हैं तो हर रोज आपसे when you are doing yoga properly, then you are achieving complete exclusion, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation. Aram aram se sukshma mein bhi thoda kar lo. And ultimately, we are entering in invisible world. Murt se amurt mein, pratyaksh se paroksh mein, vyakt se avyakt mein, sthool se sukshm mein, daivi jagat mein pravishta ho jata. Aur yahan se adhyatma ki paramarthik yatra shuru hoti hai. और हम भगवान के अनंत ज्ञान, योग मार्ग है अनंत का, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या हो जाते, अभिषिक्त हो जाते, अनुग्रहित उपकृत हो जाते, ऐसा दिव्य मार्ग है अध्यात्म का पथ, योग का पथ, भगवान का पथ, ये अनंत का पथ। चलो ऐसे आज तो वैसे भी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को लोग व्रत कर रखते हैं, उपवास कर रहे हैं, आपका तो हमने कुछ ज्यादा ही करवा रखा है। उपवास करने से शरीर तो शुद्ध होता ही है 100%। देखो थोड़ी उपवास की महिमा भी करता हूं, फिर भगवान कृष्ण और उनके उपदेशों को उनके योग तत्व को स्मरण करते हुए हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी ने भी जन्माष्टमी पर एक भजन की सेवा दे दी है, तो भगवान कृष्ण को उनके योगेश्वर के स्वरूप को उनकी दिव्य लीलाओं को स्मरण करते हुए भजन भी आपको सुनाएंगे। आगे झुक जाएंगे गर्दन सीधी, मेरो दंड ऐसे पूरा, बस कमर को छोड़ करके ऐसे फ्लैट हो जाता है पूरा। मेरे बाप से कह रहा था अपने अपने अभ्यास, योग फॉर ऑब्सिटी,
200 बार कर लीजिए, इससे पूर्ण आसन चक्रासन, पांच मुख्य अर्धहलासन पाद वृत्तासन चक्रासन। मेरुदंड के लिए आराम आराम से कर उष्ठान की तरह मकरासन, भुजंगासन सर्वासन सीधे लेट के मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन पांच अभ्यास भी आपने, तो फिर कोई रोग तो लेश मात्र भी आपके देह में शेष नहीं। अब मुंडूकासन वायु प्राणायाम के साथ मुख्य भाग की भी और ऐसी पूरी सहज योग करें तो हमारे चेहरे पर एक सहजता, एक आंतरिक प्रसन्नता दिव्यता रहे। ऊंचे नीचे नहीं होना। तो जब योग पूरी भक्ति से करें, मैं कुछ शब्द रोज बोलता हूं पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शक्ति के साथ, पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण पराक्रम के साथ, जब योग आप पूरा निष्पादित करते हैं तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। जिसको जैसी अनुकूलता हो ऐसे या ऐसे, इनको ऐसे ना बैठा जाता हो वज्रासन में और पद्मासन में, तो सुखासन में ही बैठ करके आगे रुक जाए और रुक जाए। तुम कह रहा था उपवास और उपासना की क्या महिमा है। जब हम शरीर को भोजन नहीं देते हैं तो भूख बढ़ेगी, भूख लगेगी, और भूख लगेगी और बढ़ेगी तो क्या होगा, ये भूख आपके भोगों को खाती है, रोगों को खाती है, मोटापा को खाती है, लाइपोलाइसिस शुरू हो जाता है, और इससे सबसे पहले मोटापा, फिर शुगर, फिर जितने भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, जो अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई है, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, MRI, CT स्कैन, ये सब कराते हो, तब कुछ अवांछित चीजें बढ़ी हुई मिलती है। जितनी भी अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई हैं, फिजियोलॉजी के तौर पर, एनाटॉमी के तौर पर, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर, जो भी अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई है सबको खा जाती है भूख। इसलिए उपवास, जन्माष्टमी का उपवास करना है, आप भी करना, मैं भी करता हूं। मैंने तो लगभग 20 वर्ष तक फलाहार और वर्षों तक उपवास किया हुआ है, तो बहुत बड़ा अनुभव है। और आपको अनुभव के आधार पर कहता हूं, मैं केवल पढ़ी पढ़ाई कहीं लिखी लिखाई बातें नहीं कहता। उपवास करो, ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज को रिवर्स करना है, लिवर किडनी डिजीज को रिवर्स करना है। जितना ज्यादा उपवास करोगे फिर वापस रिकवर हो जाएगा। 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक करके तो देखो, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत। चलो लय के साथ करो। उपवास और उपासना 3 शब्द है, स्तुति प्रार्थना उपासना। महर्षिदानंद सरस्वती इस युग के एक महायोगी थे, महाप्रज्ञावान वेदज्ञ महापुरुष थे, उन्होंने कहा भगवान की स्तुति से, भगवान से प्रीति प्रगाढ़, प्रार्थना से
अकिंचनता का भाव आता है, निराभिमानी आती है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ मदन निमित्त मात्र, और उपासना करने से हम प्रभु के साथ एकात्म हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को प्रभु में विलीन। चलो भक्ति पूर्वक मंडूकासन योग मुद्रासन से थोड़ा लंबा करो, तुम थोड़ा सा कर लो, फिर ऊपर उठ जाते हैं। कितने से बात न बने, आपको तो सरल वाला ही बताया, हम तो कठिन वाला करते हैं, पीछे से पकड़ते हैं। धर्म गानी होती जब जब अवतरित होता हूँ मैं, अपने अपने रोग के अनुरूप योग का चयन करके भगवान ने कहा, हर दिन में लगभग ये बात राम धर्मस्य सदात्मानं सृजामि।
पार्वती पतये
भगवान जी की तरह सेवा में साधना में योग में युग आदि योगी महायोग सारे अपने महापुरुषों का एक चरित्र समान रूप से वो सब योगी महायोग इंद्रिय शक्तियों से हमने वो जिनसे आसन अधिक न हो पा रहे को प्राप्त किया निर्वाण दिवस के बराबर योगग्राम में हमारे पूज्य स्वामी आर्य और योगग्राम निरामयम के साथ साथ पतंजलि
पर सबका अभिनंदन है, इसका बहुत बड़ा विस्तार देना आगे हर जगह बदलने कम से कम ओपीडी में शुरू हो जाए और रात भारतीय शिक्षा आने वाले 10 सालों में हम 10 करोड़ बालक भारत माता की सेवा के लिए धरती माता की सेवा के लिए तैयार हैं। संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना विराट कार्य है जिसमें वो माता की सेवा करी और सनातन धर्म की सेवा आयाम साथ में लेकर के चल रहे हैं। इन सब कार्य एक तरफ हम अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान का पूर्ण और जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना और पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हमारे सत्य संकल्प स्वयं प्रभु को चलो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप आराम आराम से 10-20 बार जीवन में जब कभी बहुत कष्ट हो, बहुत बुरा है, बहुत दुख दर्द हो, प्रतिकूलताएं हो, चारों और संकटों से घिर जाए तो प्रभु को ही पुकारे, हे प्रभु आपकी विनती सुनना। लंबे लंबे श्वास प्रार्थना को हृदय से 25-50 व्यवहार तक करने के लिए कहा हुआ मैंने वो धीरे धीरे
सिलसिला चलता रहे और हर दिन बिना नाम विदाउट ये अखंड योग की साधना ये पुरुषार्थ और ये प्रार्थना निरंतर प्रवाहमान हो रही है हमारे पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत के भी लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहन और करोड़ों करोड़ों साधक भोर में उठ करके अभी साधना में सामूहिकता के साथ में प्रवृत्त हो रहे तो सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक पुरुषार्थ वो हमें बहुत आगे लेके जाए संगठन को मदद करें अंतिम संदेश दिया भगवान चलो करो अपने अपने अभ्यास Thank you.
मारो तारो सब रोगों से दुखों से आओ मंथनों से आपकी शरणागत हूं प्रभु
पुण्य दान सब अनंत गुणा फल भू। आपको योग
सन्यासी मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं। पूज्य साध्वी देवार्चन जी हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव ऐसे प्रवाह से करते जाते लेकर के योग जो जितना कर पाए अब हमारे पूज्य पुण्य देव जी और परमार्थ देव जी आ जाएंगे लगे रहो ऐसे अपना अपना प्यास छोड़ना नहीं एक प्रवाह से करते क्या वो शांति अनिंदा ओ अक्रूर का पालन त्याग शांति अनिंदा ओ अक्रूर का पालन दया हो प्राणी Thank you.
लाडू तीर्थ लडवा तीर्थ तीर्थ साला साली और दुनिया के मैगी रिली आज तो संडे भी नहीं है डे कोई भी हो जब 20 मसाला Yeah.